आपकी सफलता आपकी कदम चूम रही है, आप देश सेवा को किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं? मैं देश सेवा को सर्वोत्तम स्थान दूंगा कि जो लोग लोगों के लिए अगर मुझे कुछ करने का मौका मिलता है तो वो मेरे लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण बात होगी और इसको काफ़ी तरीके से किया जा सकता है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं IAS ज्वाइन करके ये देश सेवा कर सकता हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देश सेवा को हर नागरिक कर सकता है, वो अपना बस कर्तव्य निभाएं, एक सच्चे नागरिक का जिम्मेवारी निभाएं, तो कोई भी देश सेवा कर सकता है। जी, ये आपका घर जहाँ पे पड़ता है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसके लिए आपका क्या इंटरेस्ट है और आप क्या बिहार कैडर में आना चाहेंगे? डेफिनेटली ये मेरे लिए एक सौभाग्यपूर्ण बात होगी अगर मुझे अपने मातृभूमि के लिए काम करने का मौका मिले। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ, इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बिहार कैडर ही है, तो ये मेरे लिए ये खुशी की बात होगी अगर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले। पढ़ने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो आपकी तरह सफलता को पाए? मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे युवाएँ हैं वो काफ़ी एस्पिरेशनल हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, वो जो ठान ले वो कर सकते हैं, तो अगर उनके पास एक प्रॉपर प्लान हो और सपोर्ट हो तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मम्मी पापा भी चाह रहे हैं और हम लोग भी चाह रहे हैं, पूरा गांव चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है। अब आप वैवाहिक बंधन में जुड़े, क्या कहेंगे शादी के लिए? शादी को लेकर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी उम्र भी कम है। सफलता का श्रेय किनको जाता है? सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार वालों को सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा, जिस तरीके से वो मुझे सपोर्ट किया, पापा मम्मी चाचा चाची दीदी हर लोगों ने, ये काफ़ी मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहा। मुझे ये कभी लगा नहीं कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर मेरा क्या होगा। लोगों ने जम के स्वागत किया है, हजारों की भीड़ है, पूरा कटिहार आपके पक्ष में आपके साथ आ गया है, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस किया और ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आएंगे। मेरी बस यही दुआ रहेगी कि मुझसे लोग पॉजिटिवली मोटिवेट हो और जो भी एरिया में वो कुछ जो करना चाहते हैं वो उसमें वो सक्सेसफुल रहें। माननीय मुख्यमंत्री भी आपको शुभकामनाएं दी हैं, क्या इस तरह का कोई बात प्रेरणादायक हुई जो आप दोनों में हुई? हाँ, बात हुई हमारी शाम में माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया और वो काफ़ी खुश थे कि बिहार से किसी ने टॉप किया एग्ज़ाम को। ABP News, आपको रखे आगे।